वहीं बुरहानपुर जिले में हिंदू संगठनों ने मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उनके सुरक्षित रहने के मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के चलते हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और आए दिन हिंदुओं के साथ कट्टरपंथियों द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर हिंदुस्तान के हिंदुओं में वहां के कट्टरपंथियों के प्रति आक्रोश है। इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सभी हिंदू संगठन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर भाव्या मित्तल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश की कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि बांग्लादेश को हिंदू पुनः अपना जीवन यापन कर सके। हम लोग यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उनके खिलाफ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मैं हिंदुओं का धन्यवाद करता हूँ, जब भी हिंदुओं पे कोई संकट आए तो सभी हिंदू एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाए, और सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कदम उठाए बांग्लादेश के खिलाफ कि पूरा विश्व देखते रहे कि हकीकत भारत में बहुत ज्यादा दमदारी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तो बात ही निराली है। पूरे राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले के खिलाफ आप कोई उचित कदम उठाने का निर्णय लें। जय हिंदुस्तान, जय मध्य प्रदेश। देश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के आड़ में कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों के साथ में व्यवहार किया, वहां के दुकानों को लूटा, हमारे बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया और हिंदुओं को टारगेट करके जिस प्रकार से वहां पर किलिंग की गई है, उससे पूरे देश का हिंदू समाज बहुत उद्वेलित है और हम सरकार के माध्यम से बांग्लादेश की इन घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।